असल मैं नाम रिज़ान चीमा फाउंडर एंड सी ऑफ मकान सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड आपका सफर प्लाट्स से मकान तक इस वीडियो में आपको मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा ब्लॉक एफ के वाले से ऑन ग्राउंड रिपोर्ट किस वक्त ब्लॉक एफ में डेवलपमेंट का स्टेटस है वो क्या है तीन बातें जो छोटी सी वीडियो का पार्ट होंगी नंबर वन इज के वट इज द लोकेशन ऑफ ब्लॉक एफ नंबर टू के वट आर द द्लाट साइज इन ब्लॉक एफ एंड नंबर थ्री वट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन ब्लॉक एफ ओवरसीज प्राइम ब्लॉक एफ सेक्टर एफ अब बात करते हैं सबसे पहले जी लोकेशन के हवाले से ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक एफ़ में जिसकी लोकेशन है सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन है किस तरह से प्राइम है एंट्रेंस एक्सेस एलिवेशन अब एंट्रेंस के हिसाब से देखें सबसे पहला पॉइंट है ये लोकेशन के तीन सब सब पॉइंट हैं एंट्रेंस के हिसाब से देखें तो एक्सेस रोड अगर आप वन से आते हैं जिसकी वेट है वन एटी फेट तो आपको डायरेक्ट एक्सेस आप ब्लॉक जी और ब्लॉक एच को जब क्रॉस करते हैं तो आपके राइट साइड पे सबसे पहले ब्लॉक एफ आता है और ब्लॉक एफ़ में दूसरा जो अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट है वो एक्सेस का है एक्सेस से इमरात के आप एंट्रेंस रोड वन से आएँ या एंट्रेंस रोड टू से आएँ सबसे ज़्यादा इजी एक्सेस जो है वो डायरेक्ट रोड मिलता है आपको 120 ट्वेंटी फीट वन एटी फीट दोनों एक्सेस रोड मिलते हैं ब्लॉक एफ़ से आके और ब्लॉक एफ के साथ बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन की जो तीसरा अच्छा पॉइंट है वो है इसकी एलिवेशन इसकी एलिवेशन जो है वो कंपेरिजन टू एनी अदर सेक्टर एनी अदर ब्लॉक इन कैपिटल स्मार्ट सिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने यहाँ पर जो प्लाट के साइज़ज़ रखे हैं वो भी उसी हिसाब से रखे हैं यानी कि एक कनाल दो कनाल और चार कनाल प्लॉट उन साइज में बाद में आता हूँ बट पॉइंट इसके एलिवेशन जो है सबसे अच्छी एलिवेशन इस तरह से है कि आप इस ब्लॉक में खड़े हों तो आपको आपके राइट साइड पे गोल्फ कोर्स मिलता है और गोल्फ कोर्स में करंट जो आपकी एलिवेशन है इसमें अगर आप इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे है गोल्फ कोर्स यानी कि आपको करंट आज जमीन पर भी खड़े हों तो आपको डायरेक्ट एक्सेस गोल्फ कोर्स की बड़ा अच्छा लैंडस्केप मिलता है बड़ा अच्छा व्यू मिलता है सेकेंड इज़ के इस सेक्टर से आपको तमाम के तमाम सेक्टर ओवरसीज़ प्राइम के उनकी एलिवेशन मिलती है बड़ा अच्छा उसकी लुक मिलता है बड़ी अच्छी लैंडस्केप मिलती है एंड थर्ड इज़ कि पूरे स्मार्ट सिटी मेरे राइट साइड पे ओवरसीज ईस्ट है और ओवरसीज ईस्ट के जितने ब्लॉक्स हैं वो यहाँ से नजर आते हैं ये मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ अब इसमें कंस्ट्रक्शन हाइट के मुताबिक आर के थर्टी फीट आपको अलाउड है थर्टी फीट आप बिल्डिंग एड कर ले इसमें तो आपकी जो बेल्कनी से आपके जो बेडरूम से जो विंडो से आपको जो व्यू मिलेगा एक साइड से आपको गोल्फ कोर्स का व्यू मिलेगा एक साइड से आपको ओवरसीज प्राइम एंट्रेंस एंट्रेंस रोड वन, रोड टू, और इसके अलावा पूरा जो आप कह लेंगे तरह मनाल से आपको व्यू मिलता है नीचे ग्राउंड का बड़ा अच्छा व्यू मिलता है इस तरह आपसे आपको यहां से अपने घर का व्यू बहुत ही अच्छा मिलेगा तो ये एलिवेशन का सबसे अच्छा पॉइंट है ये लोकेशन में आता है कि तीनों पॉइंट एक्सेस भी अच्छी है एंट्रेंस भी अच्छी है इसके अलावा यहां पे एलिवेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है अब बात करते हैं जी सेकेंड पॉइंट पर वट इज द डेवलपमेंट स्टेटस इन ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ब्लॉक एफ में अगर डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो ग्राउंड अगर आप डेवलपमेंट देखते हैं आके तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है इनफैक्ट मैं इसकी जो सेकंड वीडियो है ड्रोन की एरियल व्यू वीडियो मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा इसके साथ ही बाद में सेकंड वीडियो के इसमें सेवेंटी एटी परसेंट काम तकरीबन हो चुका है इनफैक्ट मैं जिस अभी स्ट्रीट पे खड़ा हूँ ये एक तरफ चार कनाल के प्लॉट्स हैं एक तरफ दो कनाल के प्लॉट्स हैं और दोनों के दरमियान में ये रोड जो है इसकी वेटते है फिफ्टी फीट मिनिमम प्राइम ब्लॉक में जो रोड है वो फिफ्टी फीट है सात मरला के प्लाट को एक्सक्लूडिंग करेगा तो फिफ्टी फीट की रोड बहुत ही अच्छी रोड है इस रोड की अच्छी बात यह कि इस रोड के एक तरफ जाहिर साहब का अपना ऑफिस या घर बन रहा है जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एच ग्रुप के इसके अलावा यहाँ पे इस रोड पर आपको लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों तरफ फुटपाथ मुकम्मल 100 परसेंट कम्प्लीट मिलते हैं और स्ट्रीट्स की जो लाइट्स हैं वो भी लग चुकी हैं तो ये इसकी डेवलपमेंट का स्टेटस है कि 70 80 परसेंट ब्लॉक डिलीवर हो चुके है ऑलरेडी और ऑन ग्राउंड अगर आप विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना जैसा आपको अपना ऑफिस या घर बनता हुआ ऑन ग्राउंड देख भी सकते हैं ये और चीज प्राइम ब्लॉक एफ़ की अच्छी बात में आती है अब थर्ड इसके इसकी डिवेलमेंट का बता दिया इसमें आता है प्लाट साइज़ कि प्लाट साइज़ में किस तरह के हैं ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक एफ़ में जो सेक्टर सेक्टर एफ है इसमें तीन तरह के प्लॉट साइज़ हैं नंबर वन एक कनाल नंबर दो दो कनाल एंड नंबर तीन चार कनाल के प्लॉट जो एक कानल के प्लॉट्स हैं उनके जो प्लॉट साइज़ है दैट इज़ फिफ्टी बाय नाइन्टी डायमेंशन जो उनकी पचास फुट फ्रंट नाइन्टी फुट व्रेथ और इनकी जो डायमेंशन बनती है इसमें स्क्वेयर यार्ड्स अगर काउंट करें तो पाँच सौ गज का प्लॉट बनता है दो कनाल के प्लॉट्स की अगर बात करें तो दो कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो बनते हैं आपके सेवेंटी फाइव इंटू वन ट्वेंटी यानी पचहत्तर बाई एक सौ बीस और इस पचहत्तर बाई एक सौ बीस के प्लॉट के साथ आपको जो अगर यार्ड्स में देखें तो एक हज़ार गज का प्लॉट आपको दो कनाल का मिलता है अगर कनाल के प्लॉट की बात करें तो कनाल का जो प्लॉट होगा मोस्ट प्रॉबली वो सेवेंटी फाइव जगह वन फिफ्टी फ्रंट होगा उसका और उसकी जो विथ उसकी जो लेंथ होगी वन ट्वेंटी होगी या वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी कर लें ये इसकी डायमेंशन होंगी प्लॉट की अभी ये क्लियरली मैंशन uh, नहीं है क्योंकि कनाल के प्लॉट बड़े लिमिटेड हैं बाईस या तेईस प्लॉट हैं कनाल के और दो कनाल के प्लॉट भी बड़े लिमिटेड हैं तो ये ओर सेज प्राइम ऑन ग्राउंड जो ब्लॉक एफ में अगर आप विजिट करते हैं कोई भी इंडिविजुअल जिसका प्लॉट है यहाँ पे जब भी आप ओरसीज प्राइम विजिट करते हैं आप ब्लॉक एफ लाजमी आते हैं क्योंकि यहाँ से आपको पूरे ओवरसीज प्राइम की और ओवरसीज की तमाम की बड़ी अच्छी लुक मिलती है सो वो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए हूँ तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सए कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान रि 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 दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़